नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको कराने जा रहे हैं आर्मी कलर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आज फुल सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आर्मी कलर के अंदर, कितने नंबर की इंग्लिश आती है, कितने नंबर की मैथ आती है और इसमें कितने नंबर की रीजनिंग आती है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। चलिए आइए हम उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का जनरल नॉलेज का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वन प्रिंसिपल ऑफ अम्बेडकर वाज, अम्बेडकर का एक सिद्धांत क्या था। अम्बेडकर का सिद्धांत क्या था दोस्तों? नॉन ऑफ दीज, या सेल्फ रेस्पेक्ट, या गुलाम शासन, या जाति का अभाव। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जाति का अभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था? यस, चाइना में, या ब्राज़ील में, या फ्रांस, या रशिया में। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेचरी करेक्टर स्वामी, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुल्कराज आनंद, या हरिवंश राय बच्चन, या आर के नारायण, या विक्रम सेठ। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। क्या होगा दोस्तों? आर के नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉफिंग गैस इज, हास्य गैस है, हास्य गैस क्या है दोस्तों? इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? N2O, या NO, या NO2, या N2O5। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, N2O। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स का? यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? शुष्क बर्फ, या काली बर्फ, या भारी बर्फ, या ओनली बर्फ। यस, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैवी आइस, यानी भारी बर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा मैथ के क्वेश्चन है हमारे अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 16 माइनस 9, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आपको खुद ही सॉल्यूशन कर लेना है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 20 and 35 and 45, 20, 35 और 45 का महत्व समापवर्तक निकालिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, सॉल्यूशन करने पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D5। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ RS 1300 फॉर वन ईयर एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर NM, 1300 रुपये पर दो वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष की राशि ज्ञात करें। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सॉल्यूशन करने पर? यस, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 13260। क्या आएगा दोस्तों? 13260। आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर देख सकते हैं कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, बेमेल को खोजे, मिनी कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या नोटबुक मोबाइल। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, नोटबुक मोबाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, कंप्यूटर का वह सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जुड़े हैं। कौन सा नेटवर्क है दोस्तों जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं? हाइपर टेक्स्ट, या वेब, या लैन, या इंटरनेट। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट लाइट सिग्नल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ट्विस्टेड पेयर, या ऑप्टिकल फाइबर, या माइक्रोवेव, या कोएक्सियल केबल।
यस क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? यस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चनों की तरफ चल लेते हैं हम। इंग्लिश के क्वेश्चन क्या हैं यहाँ पर? इंग्लिश में आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, इस प्रकार आप यहाँ पर इस पैसेज को रीड कर सकते हैं। चलिए आपको मैं रीड कर कर बता देता हूँ। आई वॉज लेटर ब्लूमर एंड ऑलवेज इन्वाइट दोज पीपल हु स्टोर। आप इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं टाइम की बर्बादी होगी। चलिए आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं ध्यान से, किस प्रकार पैसा जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों पैसेज से, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। और यह ऐसा नहीं है कि दोस्तों लोकल क्वेश्चन पेपर है, मैंने अपने पास से बनाया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम ग्रामर की तरफ चलते हैं, ग्रामर से क्या क्या पूछे जाएंगे। और ग्रामर में आर्टिकल हैं, यहाँ पर तीन क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं जो कि 12 नंबर के आते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 36 क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, रूम इज एयरी। यस इसमें क्या आएगा दोस्तों? एन आएगा या नॉन या ए या द? यस इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इसमें आएगा दोस्तों द। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉम्बो बॉक्स इन फिल इन द ब्लैंक्स, डायलॉग बॉक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। यस इसमें क्या आएगा दोस्तों? आप यहां पर इसको खुद सॉल्व कर कर देख सकते हैं। यस मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 38 आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स हॉर्स एन ओन एक्स एन ए बफेलो। आप यहाँ पर इसको खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्व कर कर इसमें क्या आएगा, इस प्रकार के आर्टिकल आते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ग्रामर से क्या क्या पूछा जाता है, जंबल सेंटेंस, अटेम्प्ट द क्वेश्चन आर इन इंस्ट्रक्शन गिवन ऑफ ईच क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर कर लेना है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आर्मी कलर के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इनका फुल सॉल्यूशन लेकर भी आ जाऊंगा। आप कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताना आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको सेंटेंस को सही बनाना है, देख सकते हैं आप। डू यू स्पीक फ्रेंच? यस आई लर्न फिल इन द ब्लैंक्स इन फ्रेंच। क्या आएगा इसमें? इट टू स्पीक या स्पीक इट, हाउ स्पीक इट या हाउ टू स्पीक इट। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस फिल इन द ब्लैंक दिस मैटर। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड आई लुक फिल इन द ब्लैंक्स इन द डिक्शनरी। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं यहाँ पर खुद ही इसका। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम से भी यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 48 to 50, चूज द करेक्ट सिनोनियम एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। देख सकते हैं आप सिनोनियम ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का जो सिनोनियम क्या होगा दोस्तों? प्योर या गिल्टी या सिग्नफुल या कनिंग। क्या होगा दोस्तों? यस दोस्तों इसका मेरे हिसाब से तो प्योर होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे दोस्तों, एंटोनियम ऑफ वरदान्त, वरदान्त का एंटोनियम क्या होगा दोस्तों? फ्लरिशिंग या ब्लूमिंग या डाइंग या लस। यस इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डाइंग। क्या होगा दोस्तों? डाइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और हमारा आज का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सिनोनियम ऑफ सुपरटुअस, इसका क्या होगा दोस्तों? बैड या सुपर्ब या अनइम्प्रेसिव या पुअर। क्या होगा दोस्तों इसका? यस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सुपर्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पर, पॉज कर कर वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको फिर दोबारा मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
वीडियो को आप यहाँ पर पॉज कर कर भी देख सकते हैं आराम से। हाँ दोस्तों, पैसेज को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। पैसेजों को भी किस प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पैसेज की भी काफ़ी भूमिका है, देख सकते हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, पर देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है दोस्तों कैंडिडेट के लिए, आप इसको पॉज कर कर देख सकते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में इस